like a Hellcat. Assalamualaikum. तो अभी मैं शाहरुख भाई के साथ हूँ. मॉकटेल हाउस इनका शॉप है, इनके बारे में सब सीखेंगे. अस्सलामुअलैकुम शाहरुख भाई. तो शाहरुख भाई, जैसे क्या मैंने सुना आपने सोडे का स्टार्ट किया धंधा, तो अपने सोडे के शॉप के बारे में कुछ बताएंगे आप, क्या क्या है जैसे सोडा मिलता है और प्राइस क्या है थोड़ा उसके बारे में, उनका फ्लेवर है. फ्लेवर के बारे में कहते अपने पास नौ फ्लेवर है. कपूर बंटा सोडा है, उसमें नौ फ्लेवर है अपने पास. अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब फ्लेवर है, नौ तरीके का फ्लेवर है. और रियो में भी छः फ्लेवर है अपने पास अवेलेबल. और बाकी अपन बर्थडे पार्टी वगैरह अभी सब ऑर्डर वगैरह सब लेते हैं. और शाहरुख भाई, अगर किसी को पीने अगर आना हो यहाँ पे, तो आप उसका टाइमिंग बता सकते हो क्या? टाइमिंग वही भाई अपना 11 बजे से लेके रात के 12 बजे तक. सुबह के 11 बजे? हाँ, सुबह के 11. सुबह के 11. तो शाहरुख भाई, आप आपका शॉप का एड्रेस कुछ बताना चाहोगे? एड्रेस अपना कलवा मेडिकल है, अंसारी बिल्डिंग बोलेंगे. और शाहरुख भाई, आप बताएंगे क्या जो भी फ्लेवर है उसमें से कस्टमर का फीडबैक क्या रहता है? फीडबैक तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह भाई, जो जो पीके जा रहा है वो रिटर्न आ रही है. तो शाहरुख भाई, कौन सा फ्लेवर मतलब पब्लिक ज़्यादा पसंद कर रहा है? पब्लिक तो भाई ज़्यादा करके जो सबसे डिफरेंट फ्लेवर है वो बबल गम हो गया, ब्लूबेरी हो गया, और काला खट्टा हो गया, क्योंकि सब अपनी बचपन की याद दिला देता है. हाँ, तो इसलिए पब्लिक आती है अपने पास माशाल्लाह. और पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला मेरे कलवा के लोग का माशाल्लाह. तो आप लोग भी यहाँ पे आके पी सकते हो. और जैसे शाहरुख भाई ने बताया बबल गम ब्लूबेरी है स्पेशल है, तो हम लोग भी ब्लूबेरी और जो जो अवेलेबल होंगे पी के देख लेते हैं. और क्या है, आप लोगों को शाहरुख भाई ने एड्रेस भी बताया, तो आप लोग भी यहाँ पे आके पीने की कोशिश करो. तो हम लोग अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, राज रपूर बंटा सोडा, एक नंबर बंटा वाला एकदम नाम डाले भाई ने. और यहाँ पे रियो के सोडा सब मिलते हैं. तो हम लोग अभी भाई से पूछ लेते हैं, भाई से पूछ लिए क्या क्या. तो अभी चलो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते तो ये थर्माकोल के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बर्फ रखा, बर्फ के अंदर बहुत ही ऐसे शाहरुख भाई बोले थे 9 कलेक्शन के फ्लेवर है. तो बहुत ही अच्छे अच्छे इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लूबेरी है और ग्रीन एप्पल है, ऑरेंज है, काला खट्टा है, लीची है. तो हम लोग देखते हैं अभी कौन सा लिया जाएगा. को तो एक्चुअली कुछ समझ नहीं रहा है प्रॉपर क्या लेना चाहिए, तो भाई को ही पूछेंगे अभी. तो हम लोग ने पहला जो लिया ये है ग्रीन एप्पल है, और अभी एक ब्लूबेरी का बोले है, ब्लूबेरी भी पी रखा हुआ है. तो ग्रीन एप्पल अभी खोल रहे हैं, तो ग्रीन एप्पल अभी खोल दिया भाई ने, अभी डायरेक्ट ग्रास में डाल रहे भाई. तो आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत ही देखने इतना मजा है, तो पीने कितना मजा आएगा. तो हम पी के भी इसको देखेंगे यहाँ पे क्या एग्जैक्टली, मैंने जैसे बोला था प्रॉपर फीडबैक लेंगे हम. तो अभी ये डाल रहे इसके अंदर, तो ग्रीन एप्पल डाल के हो गया है. और अभी इसको भाई लख रहे और इसका ढक्कन लगा दे रहे अभी. और अभी ब्लूबेरी की बारी है, तो ब्लूबेरी को अभी थोड़ा सा खोल के देखते कैसा है. तो ब्लूबेरी अभी खोल लेते. ग्रीन एप्पल टोटल हो गया है और अभी इसका ढक्कन लगा चुके हम लोग. और अभी ब्लूबेरी का टाइम आ ही नहीं रहा है. आ जा भाई. तो हमारा ग्रीन एप्पल फाइनली हो गया है रेडी. और ये हमारे कुछ में से दो भाई आए, उन्होंने लिया है. तो ये ग्रीन एप्पल मेरे दो भाइयों का है. तो एक ग्रीन एप्पल तो हो गया है, मैंने तो अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या लेना है. बट अभी तो ब्लूबेरी का भी हम लोग देख लेते क्या है. और मैंने तो अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या एग्जैक्टली मेरे को लेना है, बट देखते क्या लिया जाएगा. तो ब्लूबेरी भी देखिए माशाल्लाह, इतना मज़ा आ रहा है देखने में, तो पीने में क्या मज़ा आएगा. ऊपर पूरा फेस फेस है. और ये रियो का है, मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप लोग ना करना समझाऊंगा, तो ये रियो का सोडा है. और ब्लूबेरी का भी इन्होंने ढक्कन लगा दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है. तो अभी ब्लूबेरी भी हमारा हो गया है. तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी लीची ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत से
तो हम लोग ने लीची ले लिए जो बहुत से ऐसे फ्लेवर अभी अवेलेबल है, बट उसमें क्या है वो थोड़ा ठंडा नहीं हुआ है अभी, भाई ने रखे थे इसलिए। तो अभी लीची का मैंने ट्राई कर रहा हूँ, देखते अभी इसका फीडबैक लेने के। तो अभी लीची का ओपन कर रहे हैं भाई, तो फाइनली लीची का भी खुल गया है और अभी इसको ग्लास में डाल के फाइनली पी लेते हैं। तो अभी लीची का भाई बर रहे अंदर, और लीची का भी बहुत ही माशाल्लाह से स्पेशल दिख रहा है, सब पीने के बाद तो और ही मज़ा आएगा। तो तीनों फ्लेवर हम लोग इंशाल्लाह वन बाय वन ट्राई करेंगे। तो लीची का बहुत ही स्लो आ रहा है ग्लास में शरबत और सोडा, और अभी इसको भी भाई ने ढक्कन लगा के फाइनली दे दिया है। तो अभी इसको भी ढक्कन लगा दिया है और स्ट्रॉ के साथ, और अभी फाइनली बारी आएंगी इसको पीने की। तो इसका तीनों का ढक्कन लग गया है और अभी हम वन बाय वन ट्राई करके चलिए आपको फीडबैक दे देते हैं क्या है इसका। तो चलिए देखते हैं अभी, पहले ट्राई करते हैं। भी आ चुका हूँ घर पर और मैं आप लोगों को बता दूँ क्या मैं उधर ही फीडबैक देने वाला था, बट नॉइज़ वॉइस की वजह से कुछ कुछ जगह पे मेरे को मतलब आप लोगों ने वीडियो में देखा कई कई पे साउंड थोड़ा मतलब कट हुआ रहेगा। तो मैं आप लोगों को फीडबैक के लिए बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग ने ट्राई किया था ग्रीन एप्पल, सेकेंड हम लोग ने ट्राई किया ब्लूबेरी, और थर्ड ट्राई किया लीची। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लीची थोड़ा ठंडा नहीं था इसलिए मैंने उसमें थोड़ा वॉइस का इसलिए थोड़ा इशू हो गया था उसमें। सो उधर बबल गम भी था और बहुत से ऐसे फ्लेवर थे, बबल गम तो हम लोग को मिला नहीं बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, और दो तीन फ्लेवर है वो ठंडा नहीं था इसलिए। तो हम लोग ने जो जो पीना मतलब अच्छा था फ्लेवर जो मतलब सभी अच्छे जो भी मतलब हम लोग को मिला ठंडा, हमने वो सब ट्राई किया और आप लोगों को वीडियो भी मैंने पूरी बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 1000 सब्सक्राइबर का मेरा कुछ एम है उसको भी पूरा कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।